दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ दिक्कत परेशानी तो ये है पहले तो क्या घंटे तक था सीमित गंदा पानी अब ये रोड पे बिल्कुल ठेर रेलवे स्टेशन के आगे तक मेन गेट जो रेलवे स्टेशन का वहाँ तक ये पानी वहाँ तक गंदा पानी पहुँच चुका है और प्रशासन को कितनी बार बोल चुके हैं नगर निगमों को कितनी बार बोल चुके हैं इस विषय में गंदगी हो रही है और इसको क्या नाम है जो यहाँ पे ये लगावा के नाम है ये सुलभ शौचालय वाले इसको भी बोल चुके हैं बाकी इनके तो कान पर जू रंगती नहीं है और महामारी फैलने का डर है बिल्कुल मतलब सवारी परेशान रहती है जो बस स्टॉप बना हुआ ऊपर कोई मतलब बुजुर्ग ये बस स्टॉप जिसके लिए बनाया वो यूज हो ही नहीं रहा बस स्टैंड पर पब्लिक कहाँ बैठेगी बस स्टॉप देर का इसलिए पूरी गंदगी व्याप्त है आप खुद देख लो पूरी ठेर सब पानी भरा जाए तो जाए कैसे आती ना बुजुर्ग देख सकता ना महिला नगर निगम को कई बार बोल चुकी है बाकी कोई सुनवाई नहीं होती है बोले कहते हैं स्मार्ट सिटी है काय की स्मार्ट सिटी है स्मार्ट सिटी दिख रही है ग्रीन सिटी जिसको एक ग्रीन पानी भरा पड़ा है और ठेर तक शौचालय वालों को बोल चुके हैं बाकी उसके भी कोई कान पर जूनी रंगती है वो भी अनसुनाई करते था कहता अब हमारा तो वहाँ तक हमने को ठेका थोड़ी रखा वहाँ तक वो सफाई कर्मचारी को सफाई करने को तैयार नहीं है बीमारी बहुत ज़्यादा बीमारी हो सकती है कोरोना एक तो चल रहा है और दूसरे और संक्रमण से फैलेंगे इसमें मक्खी मच्छर बैठेंगे वो इंसान के टच होंगे तो उससे और ज़्यादा बीमारी होगी आपका नाम मेरा नाम शहजाद मोहम्मद ये देखो कितनी परेशानी है खड़े होने की जगह नहीं है ट्रैफिक वाले परेशान करते हैं गाड़ी पूरी रोड पे लग रही है ट्रैफिक जाम हो जाता है पूरा कई बार कह दिया उसको जहाँ से ही पानी आ रहा वहाँ से शौचालय में से वो सुनवाई नहीं करता कहता मेरे को कोई परवाह नहीं है इसकी शिकायत करी है हाँ नगर निगम को शिकायत करी थी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है उसकी कितने दिन हो गए इसको कम से कम 20 से 25 दिन हो गए इसको अभी कोरोना वायरस भी चल रहा है बीमारी मच्छर ये तो फैलना ही है तो ऐसे हालत रहेंगे तो कोरोना वायरस के पता नहीं कौन कौन से वायरस फैलेंगे इसमें तो जगह ये क्या कहते हैं अपने घंटा घर के सामने बस स्टैंड के दो नंबर टेम्पू स्टैंड के सामने रेलवे स्टेशन बिल्कुल रेलवे स्टेशन मेन सिटी है अजमेर की कितनी परेशानी हो सवारी आती है सवारी आती नहीं कौन आएगा ऐसी गंदगी में देखो पहले आप फोटो देखो पहले भेज के आपका नाम मेरा नाम भुवनेश कुमार है हो रही है आपको ये सर ये गंदगी हो रही है इसको 20-25 दिन हो गए हैं और कोई सुनवाई हो नहीं रही है हमारे टेम्पू रोड पे आते हैं और पब्लिक फिर परेशान करती है कि बोले भाई ऐसी गंदगी में हम कहाँ बैठे बोले बदबू आ रही है लेकिन हम बोल बोल के परेशान हो गए नगर निगम वालों को भी बोल दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है अगर आप रोड पर आती है तो हमारे चालान करते हैं परेशानी होती है सर बीमारी का भी अभी ये देख रहे हो कोरोना का एक चल रहा है वैसे भी और भी इसका भी ऐसी गंदगी से थे ये बीमारियाँ फैलेगी सर किस जगह आई है ये रेलवे स्टेशन के सामने है और करीबन इसको 20-25 दिन हो गए क्या 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 परेशान हो बिल्कुल करी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही गंदा पानी कहाँ से आ रहा है ये गंदा पानी आ रहा है ये शौचालय बना हुआ है पुल के नीचे ब्रिज के नीचे उसको भी बोलते हैं लेकिन उसको वो भी कोई सुनवाई नहीं करता बोलता है हमें क्या लेना देना आपका नाम मेरा नाम रमेश है जी आप देख सकते हो परेशानी तो कितनी हो रही है कि सवारियों को टेम्पो में बैठने में भी इतनी सारी गंदगी है और कोरोना वायरस का खतरा अलग से चल रहा है तो सवारियों को कुछ तो बैठती नहीं है इसमें और गंदगी में देखो कितना गंदा बदबू भी आ रही है इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है निकलने वालों को भी और अभी अभी एक लेडीज आई थी वो बैठी नहीं थी इसमें बस इसलिए कि टेम्पो में चढ़ने के लिए जगह भी नहीं है बाहर भी जो टेम्पो स्टैंड में पैर रखते हैं वहाँ पर भी गंदगी हुई पड़ी है कहाँ से आए हो आप हम तो जयपुर से आए हैं आपका नाम यतेंद्र